कोई मनुष्य मृत्यु के बाद कैसे भूत प्रेत बनता है, नकारात्मक शक्ति की उत्पत्ति कैसे होता है, क्यों कोई पशु मरने के बाद भूत प्रेत नहीं बनता है, तेरे में या पिंडदान क्यों करते हैं, इन सभी बातों पर बहुत से लोगों को विश्वास होता है और बहुत को नहीं। जिनके सामने कुछ बुरी शक्तियों का सामना होता है वो सत्य मानते हैं और जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता उन्हें यह मिथ्या लगता है। तो इसका शुरुआत आत्मा से होता है। तो आत्मा के बारे में पहले हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आत्मा क्या होता है। आत्मा एक एनर्जी या ऊर्जा है। ये तीन प्रकार का होता है, सूक्ष्म आत्मा, प्रेतात्मा या चेतात्मा और जीवात्मा। पहले हम जानेंगे सूक्ष्म आत्मा या सूक्ष्म शरीर। ये शरीर की कोशिकाओं की आत्मा होती है जिससे हमारा ये स्थूल शरीर बना है। इन कोशिकाओं के एक कोशिका की आत्मा या एनर्जी जिसे हम सूक्ष्म आत्मा कहते हैं, ये आवश्यकता अनुसार जन्म लेती, मरती और परिवर्तित होती रहती है। इसका जन्म फाइव एलिमेंट से शुरू होता है जो कि हार्ड मास रक्त से वो वीर्य का रूप लेता है और फिर वो शरीर के प्रत्येक अंग का हिस्सा बन जाता है। आपने देखा होगा कि मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कुछ ऑर्गन्स जीवित रहते हैं, वो भी कुछ मिनट या सेकंड। यही नहीं, उन्हें लंबे समय तक भी जीवित रखा जा सकता है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर मनुष्य के शरीर के ऑर्गन्स को किसी दूसरे मनुष्य के शरीर में जीवित रखते हैं। यही नहीं, कुछ तो अपने लैब में भी लंबे समय तक जीवित रखते हैं क्योंकि उस ऑर्गन की अपनी एक ऊर्जा होती है और जब तक उस ऊर्जा को कार्य क्षमता मिलता रहता है वो जीवित रहता है, वरना मृत्यु पश्चात वो खुद को जीवित रखने के लिए खुद में बदलाव लाता है। वो छोटे जीव के रूप में बदलकर और फिर धीरे धीरे ऊर्जा के अंतिम रूपांतरण के साथ वो इस प्रकृति में विलीन हो जाता है। कुछ इन्हीं वजहों के कारण हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की विधि जलाने को लेकर है ताकि सूक्ष्म आत्मा तुरंत ही प्रकृति में विलीन हो जाए। तो प्रश्न ये उठता है कि किसी छोटे बच्चे या किसी तपस्वी के पार्थिव शरीर को क्यों नहीं जलाते जबकि उनके पार्थिव शरीर को नदी में विसर्जित करते या फिर उन्हें भूमि में दफना दिया जाता है जबकि आम व्यक्ति के पार्थिव शरीर को जला दिया जाता है। इसका उत्तर आपको हमारे अगले वीडियो में चेतात्मा या प्रेतात्मा में मिलेगा।